तो वैष्णवा खत्म हो चुका है, हमको लग रहा था इधर आएगा मूर्ति घुमाने के लिए बट इधर आया ही नहीं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग्स। तो कैसे आप सभी लोग, मैं हूँ आनंद बाबू और आप देख रहे हैं आनंद बाबू व्लॉग्स। आज नवा का आखिरी डे, आज नवा खत्म हो जाएगा। आप लोग सुन सकते हैं काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। नवा का आवाज़ भी आता होगा तो मेरा आवाज़ क्लियरली नहीं आता होगा, बट ये सब होता है तो पूरा मार्केट में पॉजिटिव वाइब्स छा जाता है। गाइस पूजा खत्म हो चुका है तो चलिए वहाँ से प्रसादी लेकर आते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसादी दिए हुए थे वहाँ पे। तो गाइस आरती खत्म हो चुका है और यहाँ पे चनामृत मिलता है, तो पहले चनामृत ले लेते हैं फिर चलेंगे प्रसादी लेने के लिए। चनामृत हमको मिल चुका है और गाइस पूजा खत्म हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सब पब्लिक लोग प्रसादी देता है चढ़ाने के लिए, तो वो लेने के लिए आया हुआ है। हम लोग साइड में आ जाते हैं, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से बाबूजी भी होंगे तो देखेंगे हमको तो वो दे देंगे। अभी पहले प्रसाद सबको मिक्स किया जा रहा है सबका प्रसाद। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। फाइनली गाइस हमको प्रसादी मिल चुका है और फिर अब घर चलते हैं। साइकिल को बाबूजी को दुकान पे रख दिए हुए थे और चप्पल को यहीं पे ऊपर में रख दिए हुए थे, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ था इसीलिए उधर नहीं लेकर गए थे। तो चलिए साइकिल पर बैठते हैं फिर घर चलते हैं। अभी हम और विष्णु आए हैं घूमने के लिए और इधर ही मेरा कोचिंग है कल से हम जो ज्वाइन करने वाले हैं। अभी डेमो क्लास चलेगा, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मेरा फी भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले कोचिंग दिखला देते हैं आपको, फिर घूमने के लिए चलेंगे। तो गाइस देखने से तो यही लगता है बट हम कन्फर्म नहीं है ये वाला कोचिंग है या फिर दूसरा वाला कोचिंग है। कोचिंग हम लोग देख चुके हैं बट कन्फर्म नहीं है वही वाला है या दूसरा वाला। कल से आएंगे तो फिर ब्लॉग करके दिखला देंगे आप लोग को कौन सा वाला कोचिंग है। ये दुर्गा जी का फील्ड है, यहाँ पे दुर्गा पूजा होगा नवरात्रि का, तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है पूजा का, मूर्ति सब भी आया हुआ है भगवान का। गाइस अभी हम विष्णु का साइकिल पे बैठे हुए थे, पूरा सीट ऊंचा कर दिया है, इसका पैर ही नीचे हो पड़ा है, अब ये नीचे कर रहा है, उसको चलाने में दिक्कत हो रहा था तो अब ये नीचे कर रहा है, उसको घुमाओ फिर नीचे जाएगा। हाँ अब हुआ इसके साइज का, इसका जो साइज ऊंचा कर दिए हुए थे इसका पैर ही नीचे नहीं आ रहा था, फिर अब ये ठीक किया है तो अब बैठ के चला रहा है। और गाइस अभी ये चक्का उठाने वाला, ओ भाई गिर जाएगा साइकिल का। तो गाइस इससे चक्का तो नहीं उठ पाया, अब हम लोग घर चलते हैं। जय भोले बाबा। तो गाइस अभी विष्णु को हम घर पे छोड़ने के लिए आए, उसको पहले घर पे छोड़ देते हैं फिर हम भी अपने घर पे चले जाएंगे, उसके बाद मूर्ति भसावन होगा फिर वहाँ पे चलेंगे देखने के लिए। तो गाइस विष्णु का घर आ चुका है और वो अब जा रहा है, बाय। अरे जा रे, गिर जाएगा, इसको डर लग रहा है, यहाँ पे नाला बना हुआ है उस पर बैठ के चढ़ा रहा है, उतर के अब चढ़ाएगा फिर। ले जा ले जा, हाँ चले जाओ। फाइनली वो चला गया नाला पार करके, बाय। विष्णु को घर पे छोड़ चुके हैं और अपना लोग भी अब चलते हैं घर। तो गाइस नवा खत्म हो चुका है, हमको लग रहा था इधर आएगा मूर्ति घुमाने के लिए बट इधर आया ही नहीं। लेट्स सी रात तक आता है या फिर नहीं आता है। इसको बोलते हैं गाना गाने के लिए फिर ये डांस करती है। तो गाइस लाडो आज एक गाना सुनाने वाली है, सुनाओ तो लाडो गाना सुनाओ, तो गाना सुनाओ, गाना सुनाओ लाडो, कौन सा गाना गाने वाली थी।
हाँ गाओ। भाई ये गाना गाने गाते गाते डांस करने लगी, ये बोली थी गाना गाएंगे और डांस कर रही है। गाना सुनाओ ना, गाना गाना। आज अभी कूद फांग कर रही है, बोल रही थी गाना सुनाएगी और इधर कूद रही है। फाइनली गाइस हम लोग केड़िया में भी लेकर आए हैं घुमाने के लिए। हमको लगता था नहीं लाएगा घुमाने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था इसीलिए, बट लेकर आया हुआ है घुमाने के लिए। तो चलिए पूरा देखते हैं। दूसरा सुशांत सिंह यही लगता है, कितना स्मार्ट है, कितना जल्द करता लेता है। भैया आप थर्ड पे ही ना, कितना अच्छे लग रहे हैं, किनारे में दिक्कत है आपके साथ। हाँ